और ठीक है मान जी, हम बढ़िया। चलो बड़ी खुशी थी मान जी, राजा बड़ा ही आज जश्न का दिन है। बधाई हो भाई, बधाई हो। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ भाई, सुरेंद्र कुमार मेडल जीत कर आए और बड़ा धूमधाम से स्वागत होएगा जी उसका। सभी कुरुक्षेत्र वाले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। मन इतनी उम्मीद भी नहीं थी, मेरे बेटे का कहा गया था, कल फोन करे उन्हें बात हुई, मम्मी कोई बात नहीं, हार गए हार गए, दो तीसरे का तो हकदार बनाएंगे। मैं कहा ठीक है बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बिल्कुल जीत का ही है। महा आप मैच नहीं देख रहे थे? बार नहीं जी, मैं मैच नहीं देखती, मेरा टेंशन हुआ, मैं बाहर बैठी थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जा जी। कितनी खुशी हो रही है जी आज तो जी, मना इतनी खुशी हो रही, इतनी मेरी शादी में भी नहीं हुई, मना भाई मना दूल्हा मिलेगा और आज मना बहुत ज्यादा खुशी हो रही। हाँ धन्यवाद जी। हमें उम्मीद थी कि इंडिया गोल्ड लेके आएगा, लेकिन हमने पोडियम फिनिश किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। 41 ईयर्स के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंडियन हॉकी ने रैंकिंग में भी सुधार किया। पहले हम 8-9 में रहते थे, आज हम टॉप 3 में हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरे कुरुक्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि ब्रॉन्ज मेडल आया इंडिया के लिए। सभी आस पड़ोस से लोग आ रहे हैं और सभी खुशी देने के लिए यहाँ आए हैं, खुशी में शरीक होने के लिए, और हमारी फैमिली को बेस्ट विशेज दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया सर 3-1 से डाउन चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर हमने 3-3 इक्वल किया और फिर हम 5-3 से आगे हुए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया हारने के बाद फिर उन्होंने बराबर करके और 2 गोल की बढ़त बनाई थी, तो काफ़ी बेहतरीन खेले आज सभी टीम और सभी ने अपना फुल 100% दिया, तभी हम आज पोडियम फिनिश पे पहुंचे हैं। देखिए सर, सेलिब्रेशन पूरा देश मना रहा है क्योंकि हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं और हमारी फैमिली भी पूरी खुश है और आस पड़ोस के सभी लोग आए हैं यहाँ पे और सभी खुश हैं, एक दूसरे के से बधाइयाँ दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें भी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में मेडल आया है, तो हमारी फैमिली के लिए भी खुशी है और इंडिया के लिए भी खुशी की बात। मेरा सेक्टर 8 खड़ा, मेरा परिवार है सारा, सब बंदे सारे खुश हैं, कुरुक्षेत्रवासी खुश हैं, हरियाणा सारा खुश है, भारत सारा खुश है। और जी महाराज तो पति नहीं, महाराज तो दिमाग ही नहीं काम करे, क्यों माना तो पति था भी वो भी काम होगा, उम्मीद लगा के बैठे थे। चलो जी, लेकिन कोई बात नहीं जी, ये तो टाइम की बात है, 2 गोल 1 तो गिरी है। हाँ। वैसे जोर बहुत लाए जी, हाँ बहुत जोर बहुत लाए, इतने साल बाद 1980 के बाद ये आज आज बेटे ने सब दुख भुला दिए, सारे गोबर दिए मेरे। सुरेंद्र पल्लड़ हमारा पड़ोसी है, हमारा बेटा ही है, और आज मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि इंडिया ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल लिया है हॉकी में, और मैं अपने दिल की गहराइयों से ये बोल रहा हूँ कि नंबर 1 पे आएगा अगर यही हमारा मॉरल अप रहा। खुशी का कोई मतलब लेवल नहीं है, इतनी खुशी हुई है 40 साल बाद, और वो भी मतलब इतना अच्छा खेल के, वैसे तो गोल्ड भी आ रहा था इंडिया का, लेकिन बस मैच थोड़े टाइम कम रह गया था हमारे पास, लेकिन अब जो ब्रॉन्ज की इतनी खुशी है ना, ब्रॉन्ज की बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर, क्योंकि हारने के बाद जीतते हैं, उस खुशी का कोई मुकाबला ही नहीं है, इतनी खुशी। लास्ट के जो 6 सेकंड थे, बहुत ही दबाव बना हुआ था उन 6 सेकंड में, क्या कहोगे उस वक्त? इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकर, मतलब हार्ट अटैक वाला मोमेंट था वो, और इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। बहुत